नीमच जिले के धनेरिया कला में भाजपा उत्तर मंडल अध्यक्ष दीपक नागदा द्वारा मंदसौर नीमच क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता का जन्मदिन लेवड़ा गोपाल गौशाला में गायों को हरा चारा गुड़ खिलाकर मनाया गया। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, सत्यनारायण गोयल, राजेश पाटीदार, सूरज सिंह, लक्ष्मीनारायण पाटीदार, देवीलाल पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष धन सिंह केतवास, चिरंजी नागदा गोटू, अजमेरा उत्तर मंडल के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। आज माननीय नीमच मंदसौर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सुधीर जी गुप्ता का जन्म दिवस था, तो इस उपलक्ष्य में उत्तर मंडल में उनका जन्मदिन सेवा रूप में मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में आज गोपाल गौशाला में हरा चारा लाकर गौ माता को खिलाया। इस कार्यक्रम में नीमच क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय दिलीप सिंह परिहार, भाजपा जिला मंत्री सत्यनारायण जी गोयल और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अथक योगदान रहा। इन सब के लिए इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना जैसे संक्रमण की वजह से पूरा देश संक्रमण से बचने के लिए अनेक उपाय कर रहा है, वहीं हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन हटने के बाद में आज जब बाज़ार 11 बजे तक खोला गया, मगर डार्क जोन में नीमच आने की वजह से आज वापस आपदा प्रबंधन की बैठक है और कलेक्टर साहब और हमारी चर्चा हुई है। उस चर्चा को देखते हुए हम सब लोगों को सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि कोरोना की चेन को हम लोगों को तोड़ना है। आज हमारे युवा सांसद जो किसानों के लिए अफीम के पट्टे दिलाना हो, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक लाइन बिछाना हो या अफीम के लिए संघर्ष करना हो या विकास के काम की गंगा बहाना हो, दो दो सेंट्रल स्कूल दिलाने का मामला हो या अनेक सेवा के प्रकल्प हमारे सांसद ने किए हैं और विकास भी किया है। आज उत्तर मंडल में भाई दीपक जी, भाई राजेश जी, भाई सूरज सिंह जी और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज सेवा का काम किया है कि गौ माता की सेवा करना। जो गौ माता हिंदू को दूध पिलाती है, मुसलमान को दूध पिलाती है, वृद्ध को दूध पिलाती है, उन गौ माताओं के लिए हरा चारा और गुड़ लाकर गौ माता को खिलाने का काम आज उत्तर मंडल के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने किया है। सेवा के रूप में मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और सबसे जनता जनार्दन से ये निवेदन करता हूं कि कोरोना से निपटने के लिए अपने मुंह पर मास्क लगाए, सैनिटाइज का वितरण करें और दुकान यदि खोलें तो उसके आगे एक साबुन के घोल का पानी रखें और दूरी मेंटेन करें। हम सब जानते हैं कि यदि हम सब लोग निकट आएंगे तो कोरोना का चेन तोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें इसको तोड़ना है और लोगों के सेवा भी करना है। सेवा के साथ में आज हमने उन सभी कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान किया है जो लगातार कोरोना के लिए वाल्मीकि समाज के लोग सेवा के काम में लगे हैं, पुलिस विभाग के लोग लगे हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग लगे हैं, हमारे पत्रकार बंधु लगे हैं, सारे लोग जो लगे हैं उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आओ हम सब लोग मिलकर इस कोरोना के युद्ध कुश में विजय श्री प्राप्त करें। कोरोना एक न एक दिन समाप्त होगा, इस जिज्ञासा को लेकर हम सब सेवा भी करते रहें। मैं आज उत्तर मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई दीपक जी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो कोरोना जैसे समय में भी गौ माता की चिंता कर रहे हैं। पशुधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला समय जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है 21वीं शताब्दी भारत की होगी, उस 21वीं शताब्दी को लाने के लिए हम चरैवेति चरैवेति के मंत्र को लेकर चले। पुनः उत्तर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नीमच जिले के धनेरिया कला से रतन शर्मा की रिपोर्ट।